बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ब्लॉग में खुशामदी। पहला सानू खोले, दूसरी बात सुनी, मुझे लगता है मुझे कुछ बुला रहा है। लेकिन खैर दोस्तों, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि आज हमारे छत पर धूप भी निकली हुई है, तो इस धूप का अपने सब पेट्स को मजा दिलवाते हैं। वो बात ही है कि बारह बज गए हैं, घड़ी पर भी और हमारे मुँह पर भी, और ये अब आ रहे हैं। देखो देखो बाहर कितनी तरफ से धूप निकल रही है, आज तो नहाने में बहुत मजा आएगा। ए खराब देखा, मुझे बाहर निकाल। अब मैं बाहर निकल कर सारे दाने की बर्बादी उतारूंगा। कितने दाना, कहाँ है कहाँ है? तो अभी दोस्तों अपने पेट्स को डालते हैं दाना। जब तुमने दाना डाला नहीं तो मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? बात ये है कि जो पारू मुझे दाना खाने नहीं देता, इसलिए आप मुझे दाना पानी में डाल दिया है। अभी दोस्तों मैं और तलहा ऊपर आ चुके हैं, और ये आप धुंध देख सकते हैं, कितनी ज्यादा धुंध ने ढक लिया है पूरा आसमान। और यहाँ पर दोस्तों हमारा अबैंडन किस्म का जो हमने बर्ड्स के लिए हाउस बनाया था, वो अबैंडन पड़ा हुआ है इधर, और इसमें किसी ने बसेरा वगैरह नहीं किया। तो यार ये लकड़ी हमें चाहिए थी अपने केज की छत सही करने के लिए, आइए इसको वहां लगा। आजा भाई, दाई कैसी एंट्री की है तूने? हैं ये देखें जी, आ गई है सेटअप के ऊपर। अब इसने ना हर एक जो पैटर्न है ना उसका जीना कर देना मुश्किल। गईदा दोस्तों, गईदा हमारी आ चुकी है सेटअप पे, और इसने ऐसी एंट्री मारी है कि हमारा पारू, हमारे मीना डी का सब गए हैं डर। लेकिन दोस्तों ये हमारी गईदा का स्टाइल है। यार जब तक यहाँ पर ये खाना खाते हैं, हम जो है इस केज की छत कर लेते हैं सही। विवाह को पता है कि यार आगे बारिशों का मौसम है, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। और यार अनुस, वैसे इस केज की ना एक रवायत है, जब हम इसको सही करते हैं, रिपेयर करते हैं, अंदर एक नया बर्ड ले गया था। और ये रवायत दोस्तों हम रखने वाले हैं बरकरार, और जल्द से जल्द इस केज के अंदर हम डालने वाले हैं एक और वो बर्ड। दोस्तों आप सबके लिए सरप्राइज है, तो स्टे ट्यून्ड दोस्तों फॉर द न्यू बर्ड इन दिस केज। हिंट लगा लेंगे इस केज में क्या आ सके। तब तक दोस्तों हम इस केज की कर लेते हैं मरम्मत। 3, 2 ऐसे ही खोले इसको, यहाँ से खोले पहले। होए हो गई, वाह जी वाह, क्या बात है, नीचे है तो नहीं कोई मुर्गा। दोस्तों हमारा ये वाला केज बिल्कुल ठीक हो चुका है। अरे वाह दानी का खजाना, पहली बार हुआ जे मुझे ये सारा दाना चेक करना होगा। ए पारू, पारू से चुप क्या खा रही हो? पारू ने कहा दाना छोड़ दो, बाप ने कहा घर आना छोड़ दो, और मैंने नहाना ही छोड़ दिया। पर इस दाने को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो अभी दोस्तों इस मुर्गी ने हमारा ध्यान भटकाया हुआ है, तो इसको मैं करने लगा हूँ बंद, कि कहीं ये सात सालों के घर ही ना चली जाए। यार आपको मैंने दिखाना था हमारी यार जो कालिया है, जैसे ना मैंने कालिया 2.0 रखा है, यार इसके जो जख्म है बिल्कुल ठीक हो गए, देखे माशाल्लाह से एक्टिव हो गया यार आगे से। ये हमारे सेटअप पर दोस्तों दुआ करें कि इनकी जोड़ी ऐसे ही चलती रहे, कि यार बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, और इन्हीं से हमारे सेटअप पर रौनक है। तो दोस्तों हमारी फटी मुर्गी जो है उस थोड़ी सी लग गई है ठंड, तो जिसकी वजह से मैंने इसको भेज दिया है छत पर, ताकि ये सबसे ज्यादा धूप सेक ले। आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो भी दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे सब पेट्स ने खा लिया है खाना। तो अभी यार ये मैंने करनी है सेटअप की थोड़ी सी सफाई, ताकि हमारा सेटअप थोड़ा सा अच्छा अच्छा नजर आए, और हमारे जो पेट्स हैं उनको अच्छा महसूस हो। तो अभी अपने दोस्तों शुरू करते हैं सफाई। भाई हमारी दूसरी वाली मुर्गी फटी मुर्गी के पास छत पे पहुंच गई है। मैंने यार इस मुर्गी को सबसे ज्यादा रखा था, लेकिन ये मुर्गी पहुंच गई है और अभी आपस में लड़ेंगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी उतारना होगा नीचे। वही काम हुआ दोस्तों। अभी दोस्तों फटी मुर्गी मेरे पास वापस आ चुकी है, मैं इसको वापस भेजने लगा हूँ ऊपर। यार एक ककड़ी आंदी हुंदी सी इत्थे, मैं क्या 2-4 दिन हो गए ने, उहदा पता ही कर लिया, आई नहीं साडे वल मुड़ के। तो फाइनली दोस्तों हमारे सेटअप की हो चुकी है सफाई, अभी हमारे पेट्स करे हैं धूप के अंदर आराम। मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर माने मीना डी का, और यहाँ पर भी हमारा पारू और हमारी गोल्डी मुर्गी, सब कर रहे हैं आराम। तो इसके साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ऐसी वीडियोस चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार इस वीडियो पर काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो आपने कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छी लगी। कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं मजीद ऐसी वीडियो जरूर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। जब तक दोस्तों ये वीडियो अपलोड होगी, तब तक न्यू ईयर भी आ गया होगा, तो आपको मेरी तरफ से सबको न्यू ईयर मुबारक। आपसे मिलेंगे कल किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।